सो वेलकम बैक टू चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस कैसे हो सारे? मस्त मजे में। ओके गाइस आर गुड, हैप्पी एंड एंजॉयिंग योर ओन शिट। सो इस तरह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। लेट्स डू इट। बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पे और मैं शोर नहीं कर सकता, ठीक है? मौसी को क्या लगता है? मौसी पर उसके ऊपर दया आ जाती है। ठीक है चलो, फोन उतर लगाए। अशी जागा भेटो, अशी जागा भेटो आपल्याले बापा, अशी जागा खुली खुली जागा भेटो बस। चला गाइस, अभी देखो मैंने जो जिसके बारे में बोला था वो देखो, ये बैटमैन के साथ। अच्छा टिकट ले ली हमने यहाँ से, और वो भी टिकट जनरल की है। जनरल में जाना इज नॉट ईजी, ठीक है? अभी बहुत इतना कष्ट करना पड़ेगा ना, और हम लोग कुछ है 12-13 लोग, और हम लोग ने टिकट लिए 8। ये बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। सो देखते कैसे जाते कैसे नहीं, 10 वर्ष के जाना पड़ेगा। चला मजा हो रही कि नहीं? स्पेशल भी हो चाहे ना। दोस्तों वो
पहुंच गए हम नागपुर दीक्षा भूमि, ठीक है। हाँ तो ये कैसा लग रहा है? पैसे दाई चप्पल से एका जोडीचे 2 रुपये। 2 रुपये इकडे मॅचिंग। हम लोग फाइनली तयार हो चुके है। कैसे दिख रहा है ब्लॉग, कमेंट में बता रहा। कैसे हो सारे? मस्त मजे में। मैंने बताया था आप लोग को, हम लोग ने 8 टिकट निकाले और मतलब बहुत बड़ा स्कैम करने वाले, बट हमारे साथ ही स्कैम हो गया। हम लोग को पकड़ लिया वहाँ पे, आप लोग ने वीडियो देखा होगा। पूरा वीडियो नहीं निकाला हम लोग ने, है ना? इसको बोला था मैंने वीडियो निकाले, बट पकड़ लिया। तो हम लोग का ना उसमें 800 रुपये एक्स्ट्रा चला गया। 400 रुपये की जगह पे हमारा नुकसान हो गया भाई, हमारा नुकसान हो गया। सो ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया। और ब्रो अलेक्स भी 800 तो कितना होता है? मैक्स आता है क्या? कमर्स बावली सब बावले ना 600 रुपए। ये हमारा भाई है, इसने ही टिकट निकाले तो, में गड़बड़ की इसने। मैंने गड़बड़ नहीं की, मैंने बरबर निकाला, बट इसको 9 बोला था, इसने 8 निकाल के आया। हाँ तो एक ही टिकट ऊपर वो नीचे, गलती किसकी इसकी? कमेंट में बताना गलती किसकी। हेलो बुद्धा आणि जय भीम सर्वांना। आता आपण नागपूर इथे आलोय। नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी सर्वांना माहित असणार, आणि नागपूर मध्ये प्रसिद्ध स्थळ आहे दीक्षाभूमी। आज आपण तिथे आलोय, तुम्ही बघू शकता माझ्या पाठी। ओके, दीक्षाभूमी, दीक्षाभूमी का म्हणतात त्या स्थळाला? इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी दीक्षा घेतलेली। कशाची दीक्षा घेतलेली हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। दीक्षा त्यांनी हिंदू धर्म सोडून बौद्ध धर्म स्वीकारलेला, आणि ही गोष्ट त्यांनी या भूमीवर केलेली, त्यामुळे या भूमीला दीक्षाभूमी असे म्हणतात। तर हेच मला तुम्हाला सांगायचं होतं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि गौतम बुद्ध यांच्याबद्दल मला खूप काही जाणून घ्यायचं आहे। ही माझी छोटीशी माहिती होती या स्थळबद्दल। बाकी खूप काही आहे सांगण्याबद्दल के, तर मी शिकतो आता हळूहळू आणि खूप काही जाणून घेतोय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि गौतम बुद्धांबद्दल। तर येस, आता बघूया पुढे आम्ही काय करतो काय नाही। तुम्ही असेच व्हिडिओमध्ये राहा आणि बघत राहा आम्ही काय करतो आणि काय नाही। ओके, मी भेटतो तुम्हाला पुढे, आणि अजून खूप काही सांगतो मी तुम्हाला। ओके चला भेटूया पुढे, आणि पुढचा ब्लॉग हिंदीमध्ये नाही तर मराठीमध्ये होणार आहे मित्रांनो। तर चला कंटिन्यू करूया, लेट्स गो। आम्हाला जागा नाही भेटली, आम्हाला TC ने पकडलं, तर सर्व काही झालं आमच्या सांगते। बट तरी पण आम्ही इथे व्हिजिट केलं, कारण आम्हाला करायचं होतं। माझी मम्मी, माझी मावशी आणि माझी सिस्टर सगळे आले तिथे। मित्रांनो, ओके मित्रांनो, तर आता आपण इथून निघणार आहोत, आणि आता आम्ही दीक्षाभूमीच्या बस स्टॉपला बसले इथे। आता आम्ही कामठीला चाललोय, तर तिकडे जाऊन बघूया काय आहे काय नाही। मला पण नाही माहिती, ती माझी मावशी बोलते म्हणून आम्ही तिकडे जाणार आहे। माझी मावशी म्हणजे तिची मम्मी, तिची मम्मी म्हणजे माझ्या मम्मीची बहीण, तेच। तर जाऊया आणि बघूया। होप तुम्ही व्लॉग एन्जॉय करत असणार, मजे करत असणार। जास्त एनर्जेटिक नाही आहे व्लॉग, है ना? आमचा प्रवास, आमचा सफर आणि काही माहिती मी तुम्हाला सांगितलं या व्लॉगमध्ये। होप तुम्हाला आवडलं असणार। अर्धा मराठी अर्धा हिंदी, अर्धा हिंदी अर्धा हिंदी, इट्स ओके, थोडं मॅनेज करा, ठीक आहे, है ना? चला अंदरा अंदरा। नहीं, हम लोग का बहुत हार्ड, बहुत हार्ड सफर था। गाड़ी में था, गाड़ी में थे भैया, हम लोग आए हैं ये लोग और ऐसे बैठ के आए हैं, इसलिए हम लोग
हाँ ज्यादा ब्लॉग नहीं निकाल पाए हूँ, खुद सफर तो हमारा दिल ऐसे झगड़े करने मतलब सफर बहुत गंदा था हमारा, इतना ही बोल सकते बस, ठीक है। इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाए, और यहाँ पे चार चार पाँच पाँच ब्लॉगर है, एक घर में चार चार पाँच पाँच ब्लॉगर है, समझ सकते हो आप लोग, एक नहीं तो एक बोल रहा है, एक नहीं तो एक बोल रहा है। सो यस ओके काम ठीक, तो जाते हैं वहाँ पे एंड देखते क्या है क्या नहीं, है ना। हाँ, देखते, देखते। पार्ट टू में, पार्ट टू दूसरा, ठीक है। ये पूरा ब्लॉग कंप्लीट करेंगे, देन पार्ट टू विल डू। ओके, 20 तारीख को गाँव जाएंगे। चलो ठीक है, परफेक्ट चीज है, बताने का टू होती है ब्रदर, उसकी क्वालिटी एकदम कूल रहेगा। कॉफी भी लेने जाऊंगा तो हज पाँच सौ से तो रखना होगा, फूल भी हो रहा है मेन बात तो, जो आपका 100 का है तो त्या तिकिटाचा हिसाब करून द्या जरा पहिले, ते डबल सांग हिसाब काढतो सगळे। लवकर लवकर नाही गेलं तर साईडले ओके मित्रांनो, तर प्लेसचं नाव आहे ड्रॅगन पॅलेस आणि हे बुद्धिस्ट टेम्पल आहे, त्यामुळे आम्ही इथे आलोय। आता तुम्हाला सिनेमॅटिक दाखवतो कसं आहे आणि कसं नाही, ठीक आहे। खूप छान वाटते इथे आणि नो डाऊट बुद्धिस्ट टेम्पल आहे, तिकडे शांतता तर असणार है ना, आणि छान वातावरण पण असणार, तर येस ती गोष्ट एक छान वाटते। तर येस आता जाऊन बघूया आतमध्ये, तुम्हाला दाखवू का मी इकडून, बघा। A few moments later. गाइस अभी हम लोग आ गए सूर्य दादा के घर पे, अभी हम लोग ने खाना खाया, अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। देखो सब सोने वाले, ये देखो देखो देखो। सो अभी ये वाला व्लॉग इधर ही खत्म होता है, थैंक यू, टाटा बाय बाय।